हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक प्रोफेसर भर्ती के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसको लेकर जो भी पीजी को लेकर या फिर इसके एग्जामिनेशन की डेट आपको कब तक देखने को मिलेगी और क्या क्या समस्या आ रही है इस वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि आपको एक जेट का एग्जाम देना होगा। जेट का मतलब ये होता है झारखंड पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं, झारखंड पात्रता परीक्षा। जैसे कि नेट होता है उसी तरह से झारखंड में जो है जेट की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है, ये बातें आपको पहले से ही पता है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये असिस्टेंट का काम करेगा, आई मीन उनको जो है सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगा। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। झारखंड में देखिए 17 सालों के बाद, अभी मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा तो आप चीजों को समझ पाओगे, 17 सालों के बाद जो है ये भर्ती देखने को आपको मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। यहां से देखिए, सबसे पहली बात जो आपको जानने की जरूरत है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जेपीएससी के द्वारा जो है एग्जाम लिया जाएगा और 17 साल के बाद जो है राज्य में आयोजित होने वाली परीक्षा है। अब देखिए, आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन पढ़ा होगा जिसमें कि जेपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि आपका एग्जाम जो है, फॉर्म जो है आपका मई में भरा जाएगा और जून के महीने में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। एक महीने या डेढ़ महीने का समय आपको मिलेगा फॉर्म फिलअप के लिए। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो ये आखिरी समय में हम लोग गुजर रहे हैं, मई के आखिरी समय में गुजर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है अभी हम लोग जून में प्रवेश कर चुके हैं। एक या दो दिनों का वक्त है, दो तीन दिनों का वक्त है, तो जून में आप ऑलमोस्ट प्रवेश कर चुके हो और अब भी जो है 4 जून तक जो है कोई भी एग्जामिनेशन होने वाला है नहीं। तो ऐसे में अब जो है जून में जो है आपकी आपके फॉर्म को भरा जाएगा और जुलाई या फिर अगस्त में एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये कोई भी जो है नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रही, इसका क्या रीजन है? तो यहां से आप देख पाओगे, यहां पे देखिए आरक्षण संबंधित त्रुटियों को दूर करने का जो है सुझाव दिया गया है। आरक्षण को लेकर जो है मामला अभी भी फंसा हुआ है। अब देखिए क्या मामला फंसा हुआ है, अब यहां से देख लीजिए पहले कुछ छोटी छोटी बातें, जिसके बाद जो है हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नई तिथि घोषित होगी। जेपीएससी के द्वारा इसी साल 7 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था कि मई जून में जो है एग्जामिनेशन होने वाली है, झारखंड पात्रता यानी कि जेट की परीक्षा होने वाली है। इसी के माध्यम से जो है आप पीएचडी में फेलोशिप कर रहे हो, इसके लिए आपको जो है यहाँ पे राशि वगैरह मिलेगी, या फिर जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जेट क्वालिफाई अनिवार्य कर दिया जाएगा। आगे देखिए, पीजी में 55% अंक जो है आपको लाना जरूरी है। ओबीसी एससी एसटी या दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है अंक में 5% की छूट दी जाएगी। कैटेगरी वाइज जो है 5% छूट इन विद्यार्थियों को दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को छूट नहीं दी जाएगी। आगे देखिए, बताते चले कि 19 सितंबर 1991 तक पीजी पास अभ्यर्थियों के अंक में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 1991 से पहले जो पास आउट बच्चे हैं उनको 5% यानी कि 50% अंक में ही जो है उनका काम चल जाएगा। परीक्षा का पैटर्न क्या है? जेट की फर्स्ट पेपर की परीक्षा में टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी से सवाल पूछे जाएंगे। पेपर वन जो होता है नेट की तरह होता है, आपको पता ही है, और कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, दो दो अंक यानी कि 100 नंबर का पेपर वन होगा। अब आगे देखिए, पेपर टू में जो है सब्जेक्ट कंसर्निंग से 100 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको 2-2 नंबर मिलेंगे यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पहले जो है एग्जामिनेशन लिया गया था और उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई थी, पहले जेट में बहुत गड़बड़ियां हुई थी, बहुत सारे लोग पैसे देकर जो है पेपर वगैरह ही उन्होंने सेट कर रखा था, सीबीआई के जांच में जो है पता चला और जो है मामला प्रकाश में आया था। अब देखिए मामला क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कोर्स में एडमिशन की अर्हता रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि झारखंड में जो है जेट की परीक्षा होने वाली है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आई है कि सुझाव दिया गया कि विषयवार जो है आरक्षण की स्थिति क्लियर नहीं है। देखो झारखंड में, आपको भी पता है, ये अच्छी बात है, मैं इस देरी को जो है ना अप्रिशिएट करूंगा कि झारखंड में जो भी देरी हो रही है ना, तो आप उसे अप्रिशिएट करो। रीजन क्या है कि झारखंड में आपको पता होना चाहिए कि बिना किसी ठोस बेस के ये रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं। अभी आपको पता होगा झारखंड टेट मेंस, या फिर आप उसे जो है सहायक आचार्य के नाम से जान रहे हो, उसमें इतनी विसंगतियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं कि कोर्ट में जो है 50 केस पेंडिंग में पड़े हुए। तो ऐसे जो है मुसीबत आपको जो है झेलनी पड़ती है। बाद में आप एग्जाम की तैयारी कर लो, एग्जाम दे दो, और बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए कि आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, तो क्या होगा? तो ऐसे चीजें सामना करना करने से बेटर ये होता है कि आपका जो है पहले ही देर हो जाए, लेकिन बाद में आपको किसी भी तरह के किसी भी समस्या से जो है जूझना ना पड़े। तो फिलहाल अच्छी बात है कि इस पे जो है जल्द से जल्द जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, लेकिन पहले सबसे पहले जो ये आरक्षण का जो पेज फंसा हुआ है इसे क्लियर कर ले आयोग, यानी कि जेपीएससी से क्लियर कर ले, उसके बाद जो है किसी भी तरह का डिस्कशन में आगे बढ़े सरकार। ठीक है, यहां तक सारी बातें आप समझ गए। अब देखिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जेट में आपका सिलेबस
अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर वन का भी मैं बना दूंगा जो सभी लोगों के लिए कॉमन होगा। पेपर टू के लिए भी मैं सिलेबस बनाने वाला हूँ। आपका सब्जेक्ट क्या है वो नीचे कमेंट करिएगा, और इसके रिगार्डिंग जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली मैं इसके ऊपर भी पेपर वन के लिए जो आपका कॉमन पेपर है उसके लिए वीडियोस आपको जो है रेगुलरली चैनल पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं ताकि वो भी जो है चीज़ों को समझ सकें और जान पाएं। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, और भी कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।